नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, द टीचर यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत छे। आज आपणे धोरण 5 में हिंदी विषय में प्रथम सत्र में पहलो पाठ सीखीशु। मित्रों, पहला पाठ नुं नाम छे यातायात। एक चित्र पाठ छे। यातायात एटले शुं? परिवहन। हवे ये चित्र आपेलुं छे मित्रों, आ चित्र ने अपने ध्यान थी जोवानुं छे अने त्यानी नीचे जे प्रश्न आपेला छे ते चित्र नी मदद थी अपने लखवाना छे। मित्रों, आ चित्र मां केटलाक वाहनों, विमान, हेलिकॉप्टर, बगीचो, फूलो आ बधुं आपणे जोई शकीए छीए। हवे मित्रों, अभ्यास जोईए। प्रश्न एक, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूचि बनाइए। तो चित्रनी अंदर जे फूलों आपणे देखाय छे तेनी यादी बनावानी छे। आपणे जवाबमां लखीशुं सूर्यमुखी, गुड़हल, गुलाब, चंपा। प्रश्न बे, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूचि बनाइए। तो मित्रों, आ चित्र में ना होय एवा फूलनी आपणे यादी बनाईशुं। એની અંદર લખીશું કમલ, જુહી, ગેંદા, સદાફૂલી, રાતરાણી। મિત્રો, હવે તેના પછીના પેજ ઉપર આ ચિત્ર આપેલું છે, એની અંદર કેટલાક આપણે સાધનો જોઈ શકીએ છીએ। પાણી છે, એની અંદર જહાજ છે, નાવ। આ ચિત્ર આપણે ધ્યાનથી જોવાનું છે અને તેના ઉપરથી જે પ્રશ્નો આપેલા છે તેના જવાબ આપણે લખવાના છે। મિત્રો, આ હિન્દી છે તો हिंदी में आपणे जवाब लखीशुं। प्रश्न 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूचि बनाइए। आ चित्र ऊपरथी आपणे जे साधनों, वाहनों देखाय छे तेनी यादी बनावानी छे। तो चित्र में आपणे कया कया साधनों देखाय छे? तो जहाज, नाव, बस अने रिक्षा। तो आपणे लखीशुं नाव, जहाज, बस, रिक्षा। प्रश्न 4, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। आ चित्र में जे साधनों, वाहनों ना आपेला होय तेनी आपणे नाम लखवाना छे। तो बैलगाड़ी, साइकिल, घोड़ागाड़ी, स्कूटर, मोटरकार, ट्रक, रेलगाड़ी। आवी रीते आपणे जवाब लखीशुं। प्रश्न 5, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तालिका 1। अहीं मित्रों, आपणे जे नाम लख्या छे तेनुं वर्गीकरण करवानुं छे। 2 पहियो वाले एटले 2 पैड़ा वाला, 3 पहियो वाले एटले 3 पैड़ा वाला, 4 पहियो वाले एटले 4 पैड़ा वाला, 4 से अधिक पहियो वाले एटले 4 थी वधारे पैड़ा वाला वाहनों नाम आपणे लखवाना छे। 2 पहियो वाले तो बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकल। 3 पहियो वाले तो मित्रों आमां लखीशुं ऑटो रिक्षा, ट्राइसाइकल। 4 पहियो वाले में मोटरकार, रुग्णवाहिका एटले के एम्ब्युलन्स 108, जीप। 4 से अधिक पहियो वाले एनी अंदर बस, ट्रक, दमकल, जेने आपणे आग बॉम्बो, फायर एंजिन कहीए छे, ते रेलगाड़ी। हवे मित्रों, तालिका 2 एनी अंदर सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन तेनुं नाम लखवानुं छे। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन अने पानी में चलने वाले यातायात के साधन तेने आपणे अहीं यादी लखवानी छे। तो सड़क पर चलने वाले साधन रेलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, बस, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोटरकार, ट्रक और जीप। हवा में उड़ने वाले साधन हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। पानी में चलने वाले साधन जलयान मतलब जहाज,
नाम। हवे मित्रों प्रश्न छो, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रों टिकट आपेली छे, आ रेलवे नी टिकट छे ने आ बस नी टिकट छे, तेना परथी आपणे प्रश्नना जवाब लखीशुं। प्रश्न एक, यह क्या है? तो यह टिकट है। प्रश्न बे, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हड़द से चिलोड़ा। प्रश्न त्रण, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे नी टिकट मुंबई थी अहमदाबाद, एटले आपणे लखीशुं रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। प्रश्न चार, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो जवाब रहेशे 91, एटले 91। प्रश्न पांच, रेलवे का टिकट बढ़कर किराया बताइए? तो 204, एटले 204। छठो प्रश्न, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए, એટલે કે રેલવે ટિકિટની તારીખ લખવાની છે 11/11/2011। પ્રશ્ન 7, બસ ઓર રેલ કે અલાવા કહાં કહાં ટિકિટ લગતા હે? તો સિનેમા ઘર। પ્રશ્ન 7, નીચે દિયે ગયે ચિત્ર કા અવલોકન કરકે ભેદ સ્પષ્ટ કીજીએ। મિત્રો એ બે ચિત્ર આપેલા છે, આ ચિત્ર એક ચિત્ર બે, એની અંદર જે ભેદ હોય એની પર આપણે આવી રીતે ગોળ કરી અને દર્શાવવાનું છે। તો અહીંયા છોકરીનું કપડાની અંદર અહીંયા સફેદ કલર છે ને અહીંયા વાદળી છે, પછી આ આડી લાઈન છે એની અંદર પણ અલગ છે, પછી અહીંયા અને અહીંયા પણ જુદું છે, અહીંયા ઘાસ છે, આ ચિત્રમાં પણ અલગ પડે છે। આવી રીતે આપણે મિત્રો જ્યાં અલગ અલગ હોય ત્યાં ગોળ કરી અને ભેદ સ્પષ્ટ કરીશું। હવે મિત્રો સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન એક, તું કિસ પ્રકાર જાતે હો? પહેલું છે મામા કે ઘર, મોટર કાર, મોટર કાર મે મામા કે ઘર મોટર કાર સે જાતા હું। બીજું છે સિનેમા દેખને મોટર કાર, મે સિનેમા દેખને કે લિયે રિક્ષા સે જાતા હું। ત્રીજું છે સ્કૂલ સાયકલ, મે સ્કૂલ મે સાયકલ ઓર બસ સે જાતા હું। બસ પણ લખી શકાય ને સાયકલ પણ, અહીંયા મોટર કાર પણ લખી શકાય ને રિક્ષા પણ। પ્રશ્ન ચાર, બાજાર ચલકે, મે બાજાર મે પેદલ યા સ્કૂટર સે જાતા હું। પ્રશ્ન બે, તુમને ઇનમે સે કિસકી સવારી કી હે? અગર હા તો આવું નિશાન કરવાનું છે મિત્રો, ના તો આવી રીતે નિશાન કરી અને જવાબ લખવાનો છે। સવારી, તો અહીંયા મિત્રો આપણે જેની સવારી કરી હોય તમે એની આગળ આપણે ખરું કરવાનું છે, ઘોડા ગાડીની કરી હોય તો, એમાં કારમાં બેઠા હોય તો તેની આગળ ખરું કરીશું, ઊંટ ઉપર બેઠા હોય ઊંટની સવારી કરી હોય મિત્રો તો એની આગળ ખરું કરીશું, જો બળદ ગાડામાં બેઠેલા હોય તો એની આગળ, અને રેલવેમાં બેઠેલા હોય તો એની આગળ ખરું કરીશું, અને જેની અંદર તમે ના બેઠેલા હોય જેની સવારી તમે ના કરી હોય એની આગળ આપણે ચોકડી કરીશું। પ્રશ્ન ત્રણ, વઢીએ સમજીએ ઓર આવી રીતે સાચાનું નિશાન કરવાનું છે આપણે, તો એ સવારી આપેલી છે ઘોડાગાડી કાર ઊંટ બળદગાડું અને ટ્રેન। ટિકટ લગેગા, જો એની અંદર ટિકટ લાગતી હોય તો તેમાં ખરું કરવાનું, તો અહીંયા આપણે ટ્રેનમાં ટિકટ લાગે છે તો ત્યાં આપણે ખરું કરીશું। પૈસા લગેગા, તો પૈસાથી આપણે જેનામાં સવારી કરી શકતા હોય એની આગળ ખરું કરવાનું, તો
घोड़ा गाड़ी में पैसा लगे तो एने आगे खरू करीशू, कार में पैसा लगे तो एने आगे खरू करीशू, जो आप टैक्सी करिए तो ऊँट गाड़ी ऊँट पर सवारी करिए तो पैसा लगते, मुफ्त एट मफत में तो बड़दगाड़ा में आप मफत में सवारी करी सकीए छी। प्रश्न चार, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। यह फूल आपेला है मित्रों, एना नाम अपने हिंदी में लखवाना है, तो आने कमल कहीशू, आप मोगरा है तो मोगरा, आ गुड़हल एटले जासूद, अने आ गुलाब। मित्रों प्रश्न पांच, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो चित्र आपेला है, आ चित्र पर आप वार्ता बनावानी छे, एटले के कहानी बनावानी छे। तो आपणे पहेलुं चित्र जोईए, आ चित्र परथी आपणे लखी शकीए, कल्याणपुर नामक गांव में एक चरवाहा था, वह भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। तमे तमारी रीते मित्रों गमे ते गामनुं नाम तमने मनपसंद लखी शको छो। हवे बीजा चित्र उपरथी आपणे लखी शकीए, हरोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियों बकरियां चरने में लगी थी, अचानक चरवाहे का को मजाक करने की सूझी, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़े आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया बाघ आया। आ चित्रनी अंदर मित्रों आपणे जोई शकीए छीए, लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है, यह सोचकर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। चरवाहा डर गया और वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बाघ ने उसकी भेड़ बकरियों को मारकर खा गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया, वह रोने लगा, उससे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा, अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। आ चित्रनी अंदर आपणे मित्रों जोई शकीए छे, आवी रीते आपणे वार्ता लखी शकीशुं। प्रश्न छो, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहेलुं वाक्य छे, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो तेनुं मातृभाषा में अनुवाद एटले के गुजराती जोईए तो कमळ आपणुं राष्ट्रीय फूल छे। बीजुं, मधुमक्खियां फूल पर बैठती है एटले मधुमक्खियों फूल पर बेसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है एटले मने बड़दगाड़ामां बेसवानुं गमे छे। चौथुं, ऑटो रिक्षा के तीन पहिये होते हैं एटले के ऑटो रिक्षा ने त्रण पैड़ा होय छे। एना पछी मित्रों अहींया योग्यता विस्तार आपेलो छे, इतना जानिए एटले गुजराती में जे आ वस्तु छे एने हिंदी में साधनों में शू कहेवाय ते अहींया केवी रीते लखाय ते लखेलुं छे ते आपणे एक वखत वांचीशुं। साइकल साइकिल, रिक्षा रिक्षा, ट्रेन ट्रेन, विमान विमान, स्टीमर तो एने पण स्टीमर ज कहेवाय, बड़दगाड़ू एने आपणे बैलगाड़ी कहीशुं, घोड़ागाड़ी तो एने पण घोड़ागाड़ी अथवा तांगा, स्कूटर तो स्कूटर, बस तो बस, हेलिकॉप्टर एने पण आपणे हेलिकॉप्टर कहीशुं पण आवी रीते लखाय, जहाज तो जहाज, गाड़ी एने आपणे कार कहीशुं हिंदीमां, ऊँट गाड़ी एने
આવી રીતે લખીશું. ઊંટ ગાડી, મોટરસાયકલ, એને હિન્દીમાં મોટરસાયકલ કહીશું. મિત્રો, તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ધ ટીચર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, અમારા વિડીયોને લાઈક કરો અને ચોક્કસથી શેર કરો. તમારી એક લાઈક અને એક શેર અમારા માટે પ્રોત્સાહનરૂપ છે. તો મિત્રો, આવજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.